तो दोस्तों जो प्रेजेंट इरा है, यहाँ पर अगर शक्ति प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की कोई रेस शुरू होती है देशों के बीच में, तो वो रेस संभवतः उन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए जो कि ट्रेडिशनली हुआ करती थी। बल्कि अगर इस समय की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर एक माध्यम है जिसको लेकर रेस शुरू हो सकती है, इकोनॉमी है, इसके अतिरिक्त नए नए इनोवेशंस हैं, और फिर भी अगर आप शक्ति का एक्चुअली प्रदर्शन करना चाहते भी हैं तो यहाँ पर रेस वेपन्स को लेकर भी हो सकती है, लेकिन वो स्पेस से रिलेटेड हो। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक बार फिर से एक ऐसी रेस शुरू होने जा रही है जो कि रेस शुरू करने वाले देश के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, क्योंकि इस तरह की कुछ रिपोर्ट लगातार स्प्रेड की जा रही है कि वापस से वो दौर शुरू होने जा रहा है जब अलग अलग देश शक्ति प्रदर्शन के नाम पर अपनी ताकत दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करते थे। देखिए, अगर 20वीं सदी की बात की जाए तो दुनिया के कई सारे देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए और उनके टेस्ट वगैरह किए, इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन अगर 21st सेंचुरी की बात की जाए स्पेशली, तो एकमात्र देश अभी तक नॉर्थ कोरिया ऐसा देखने के लिए मिला है जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के बाद उनका टेस्ट भी किया। इवन वो एक और टेस्ट के लिए तैयार है। केवल किम जोंग उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वो अगर आदेशित कर दे तो उसकी गैंग आज ही उसका टेस्ट कर दे। इसके अलावा जो दूसरे अतिरिक्त देश हैं जो कि थोड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, उन देशों ने अभी तक किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत का भी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे और मैच्योरिटी तक लेकर जाने के लिए एक दो टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन टेस्ट नहीं किए गए। इसके पीछे कुछ कारण है। इस समय न्यूक्लियर टेस्ट को पूरी दुनिया ने रोक रखा है और इसको लेकर एक ट्रीटी भी बनाई है, CTBT, जिससे रिसेंटली रशिया द्वारा अपने आप को पुल आउट कर लिया गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस ट्रीटी के हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का कोई टेस्ट भारत ने नहीं किया। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि दुनिया की महाशक्तियां जिसमें भारत भी शामिल है, या फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए इस समय तैयारियां कर रहे हैं। स्पेशली यहां पर नाम बताए गए हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, भारत। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि ये जो देश अभी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे के सारे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए एक बार फिर से तैयारियां कर चुके हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 1945 में ये सिलसिले शुरू हुए, जब शुरुआत में अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए गए। उसके बाद 1998 आते आते भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी न्यूक्लियर परीक्षण कर चुके थे और अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर चुके थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक किसी के भी द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए गए, एक नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 से ही अमेरिका, रशिया और चाइना स्पेशली अपनी न्यूक्लियर साइट्स को तैयार कर रहे हैं, जहां पर ये आगामी कुछ समय में इससे संबंधित परीक्षण भी कर सकते हैं। रशिया को लेकर स्पेशली जोर देकर कहा जा रहा है कि देखिए, वो तो CTBT जो ट्रीटी हुई थी उससे भी बाहर हो गया है, तो अब चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। और वैसे भी उसके पास अब बचा ही क्या है जो आप अतिरिक्त सैंक्शन लगाएंगे, ऑलरेडी सभी फील्ड में उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो संभवतः वो बहुत ही जल्द न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें भारत, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान भी मौजूद हैं जो कि आने वाले समय में अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। और केवल बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा ही नहीं, बल्कि यूरोपियन पार्लियामेंट के वैज्ञानिक सलाहकार और जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, फ्रेंकोस डिजायर मोरिन, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने भी सेम इसी तरह के आकलन लगाए हैं न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित। तो अल्टीमेटली देखा गया है कि बाकी सारी चीजों को लेकर दुनिया कॉन्शियस होने की बात करती है, लेकिन संतुलन एक्चुअली बिगड़ रहा है। अगर दुनिया उसी मोड़ पर वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है जिसे कि पीछे छोड़ने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए गए, UNSC जैसा एक संगठन तक बनाया गया, तो उसका कोई भी औचित्य यहाँ पर नहीं रह जाता। ये रिपोर्ट हमारे उस दावे को भी ज्यादा पुख्ता करती है जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, जो भी मौजूदा परिस्थितियां हैं और दुनिया भर के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, जिनके ऊपर रोक लगाने की अति आवश्यकता महसूस की जा रही है इस समय, उन सभी प्रयासों को रोकने के लिए UNSC रिक्वायर्ड पावर नहीं रखती। कारण यही है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ गिने चुने देशों के हाथ में ही है। यहाँ पर जरूरत ये है कि UNSC के अंदर भी बड़े स्केल पर रिफॉर्म्स लाए जाए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और जो मौजूदा मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, उनके ऊपर भी काम किया जाए। वरना इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी और रिपोर्ट्स के बाद वो दिन भी आ सकता है जब एक्चुअली इस तरह के न्यूक्लियर धमाके अलग अलग देशों से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस समय कई सारे ऐसे नए देश भी हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे हैं और उनके टेस्ट करने के लिए वो भी तैयार बैठे हैं, जिसमें ईरान का नाम ले सकते हैं। अगर ईरान ऐसा करता है तो सऊदी अरेबिया भी खुलेआम कह चुका है कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करना चाहते हैं, तो संभवतः आने वाले समय में वो भी कर ले। इसराइल क्यों पीछे रहेगा, वो भी कर सकते।
सकता है। इसके अलावा साउथ कोरिया भी कह चुका है कि नॉर्थ कोरिया के खतरे को रोकने के लिए हम भी न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ताइवान भी क्यों पीछे रहेगा, वो भी चाइना से सिक्योरिटी के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकता है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर यूक्रेन भी पीछे क्यों रहेगा। तो कहने का मतलब एक रेस शुरू हो जाएगी जो कि दुनिया के हित के लिए सही नहीं है।